स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बताने वाले हैं, ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं ये डिज़ाइन हम इस वीडियो में पूरा क्रिएट करने वाले हैं। और इसका मैं फर्मा भी बताऊंगा किस तरह से कटिंग करना है, क्या साइज़ मार्बल का है वो भी मैं बताऊंगा। तो मेरा नाम है अशरफ और आप देख रहे हैं रौनक स्टार मार्बल यूट्यूब चैनल। तो चलिए रौनक स्टार बढ़ाएँ अपनी घर की रौनक। तो फ्रेंड किस तरह से ये डिज़ाइन क्रिएट होगा आप देख लीजिए। और ये चार पीस के मिडिल में होगा। और मार्बल की साइज़ की बात करूं तो ये 24x15 है, 24 इंची इसका लॉन्ग है और 15 इंची जो है इसका चौड़ाई है मार्बल का। और इसको हमने फर्मा में कटिंग किया था। और आप दो धार या तीन धार या चार धार कटिंग कर सकते हैं, यानी दोनों। और किस तरह से कटिंग किया जाता है आप मेरा ये वीडियो देखिएगा, इसमें पूरा हमने प्रोसेस बताया किस तरह से फर्मा क्रिएट किया जाता है डिज़ाइन बनाने के लिए, जो फर्मा में माल कटिंग होता है। अच्छा, तो ये आप किस तरह से आपको फर्मा का प्रोसेस समझ लीजिए। और ये बर्फी कटिंग करने का जो कोना पे भी कटिंग होगा उसका फर्मा है। और इसमें जो है किस तरह से हम भी कटिंग करेंगे, हम ये फर्मा क्रिएट करेंगे और इसी फर्मा में हमारा जो है भी कटिंग हो जाएगा। ये देखिए, तो ये जो दोनों साइड से हमने लिया है वो 8 इंची है और 8 इंची है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। और मिडिल में मार्किंग किया और दोनों साइड एक नाप एक्यूरेट रखा है। और इसको थोड़ा सा 19-20 होगा तो इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ये एक्यूरेट फर्मा क्रिएट हो चुका है। अब किस तरह से इसमें भी कटिंग होगा वो आप देख लीजिए। और किस तरह से वी कटिंग करके हम इसको डिज़ाइन को कम्प्लीट किए हैं, तो ये जो कटिंग हो रहा है सेम प्रोसेस इसका मिडिल में जो भी डिज़ाइन है यानी कि ब्लैक पट्टी वो भी इसी तरह से कटेगा, आप लोग समझ लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से ये कटिंग होगा। कटिंग होने के बाद इसमें जो है इसको जो चार पीस हमने सजाया है उस पर हम इसको भी सजा के देखेंगे माल एक्यूरेट कटा या नहीं कटा है। अगर कुछ कम बेसी होगा तो पहले हम सैंपल तैयार करेंगे, उसी में एक्यूरेट होगा तो वो जो माल जितना भी लगेगा पहले हम कटिंग कर लेंगे, उसके बाद जो है दूसरा हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए जितना भी आपका एरिया मेजरमेंट में आएगा उस हिसाब से आपको कटिंग करना है कितना लंबा आ रहा है। और ये देखिए ये जो हमने कटिंग किया, और ये देखिए पहले हमने कटिंग किया फिर उसको हमने पलट दिया, भी कटिंग हो गया। अब ये देखिए इस तरह से कटिंग हुआ है। अब इसको जो है पहले हम सजाएँगे। ये देखिए चार पीस जो बिछाया था उसमें हम देखिए सजा रहे हैं। और ये जो फर्मा में हम कटिंग किए हैं लॉन्ग, ये उसी में ऑटोमेटिक भी कट चुका है। देखिए एक्यूरेट माल मेरा कटा है। तो इस तरह से आपको कटिंग करना है और उसे पहले सैंपल के तौर पे एक सजा के देखना है कि माल जो कटिंग हो रहा है वो रेडी हो रहा है, वो सही हो रहा है या नहीं या गलत हो रहा है, आपको पहले सजा के चेक कर लेना है और उसी हिसाब से कटिंग करना है। तो ये जो हमारा फर्मा बना है एक्यूरेट बना है, अब इसी हिसाब से जितना भी माल लगेगा उसको कटिंग कर लेंगे, उसके बाद दूसरा फर्मा बनाएंगे। तो ये देखिए एक मिडिल में जो ब्लैक बॉर्डर जा रहा है, तो ये जो साइड वाला है जो अभी हमने लगाया वो 1/2 इंची है और मिडिल वाला 1/4 इंची है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मिडिल वाला जो है थोड़ा चौड़ा हमने बॉर्डर किया है, तो हर जगह मिडिल में एक मार्किंग करना है और क्रॉस करके नापी करना है। तो ये देखिए सेम उसी प्रोसेस से इसको भी कटिंग किया है। देखिए इस तरह से, ये देखिए इसका सिर्फ साइज का डिफरेंट है, फर्मा उसी तरह कटिंग होगा जैसे हमने आगे कटिंग किया था। और इसमें फिर 4 ठो जो है समोसा कटिंग लगेगा, बीच में एक स्क्वायर डब्बी लगेगा। तो इस तरह से डब्बी का मेजरमेंट आपको लेके काट लेना है स्क्वायर, और समोसा का कटिंग का इस तरह से मेजरमेंट लेके काटना है। और जिसमें हम भी कटिंग किया है वही फर्मा में हमारा समोसा भी कटिंग होगा, उसके लिए अलग से हमको फर्मा नहीं बनाना, उसी में कटिंग होगा। ये देखिए जिस तरह से हम मेजरमेंट ले रहे हैं इसी तरह से जितना इसका चौड़ाई आ रहा है उतना चौड़ाई पट्टी कटिंग करना है और आपको समोसा कटिंग करना है। और समोसा कटिंग करने के लिए आप मेरा ये वीडियो देख लीजिएगा, इसमें हमने पूरा परफेक्ट बताया था। तो ये देखिए ये जो फ्लोर है रूम का कंप्लीट हो चुका है। और इसमें मिडिल में भी बॉर्डर है, तो किस तरह से बॉर्डर है आप ये देखिए इस तरह से है। तो ये जो बर्फी लगा हुआ है, बर्फी किस तरह से कटिंग करना इसका फर्मा अलग बना था, आप मेरा ये वीडियो देख लीजिएगा, इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा किस तरह से ये बर्फी कटिंग का फर्मा हमने बनाया था। अब इसका किस तरह से मिडिल का फिटिंग होगा उसको हम देखेंगे। ये देखिए पूरा अच्छे से हमने मसाला वगैरह दे के फिटिंग कर रहे हैं।
और इसी तरह से आपको एक पत्थर या कुछ भी मतलब एक मार्बल लेके आपको फिटिंग करना है, इसको अच्छे से लेवल करना है, क्योंकि ऐसा ना ऊंचा नीचा कर दीजिएगा तो पॉलिश का टाइम में थोड़ा परेशानी होगा। परेशानी क्या होगा कि ग्रेनाइट हार्ड होता है, मार्बल नरम होता है, तो उस जगह पे ऊंचा नीचा हो सकता है पॉलिश के टाइम भी, जितना भी घस दे वो ढेव ढेव रहेगा ही, पानी के ढेव जैसा बन जाएगा। तो ये डिज़ाइन जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिएगा, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।